साथियों, मेरा समर्पण देश के संविधान के शब्दों के प्रति, देश की संविधान की भावनाओं के प्रति, 2014 में देश ने मुझे चुन करके संसद में भेजा और जब मैं पहले दिन संसद में गया तो संविधान का प्रतिबिंब हमारे देश की संसद होती है और पहले ही जाकर के मैंने संसद के सामने सर झुकाया, अपना माथा टेका। बाद में मैंने कदम पार्लियामेंट में रखा था क्योंकि संविधान के लिए हम समर्पित हैं। 2019 में जब आपने मुझे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया और जब मुझे एनडीए ने अपना नेता चुना तो कार्यभार संभालने से पहले मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान की किताब ला करके रखी थी। पहले मैंने जाकर के संविधान के सामने मारा माथा टेका, जैसे आप गीता रामायण महाभारत के सामने टेकते हो, जैसे कुरान बाइबल के सामने रखते हो, मैंने संविधान के सामने अपना माथा टेका। उसके बाद 2019 में कार्यभार संभालने के लिए मैंने अपना भाषण दिया था। ये मोदी का संविधान के प्रति समर्पण है।